जो सीसीटीवी कैमरा के उद्भेदन के बाद राम भरोस चौधरी का नाम आना शुरू हुआ, मैंने बच्चे लोग उद्भेदन किया। हमारा ये अपना आकलन था कि एक ही भाई छोटा जो है वो माइंड का बहुत प्रोफास्ट था, वही होगा। लेकिन हमको बड़ा वाला पर शक नहीं जा रहा था, लेकिन ये काम दोनों भाई दो रास्ते से टचअप करके और बच्चे को बड़ी वाला बड़ा वाला लास्ट में उठा करके और कहाँ ले गया, किससे मार दिया, जो पोखरी पर वो लाश मिला, जिसका उद्भेदन हमने सीसीटीवी कैमरा से उस बच्चे से सब लेके रिकॉर्डिंग करके हम पुलिस के हवाले उस बच्चे को करा दिए। आज के दैनिक जागरण का हम लोग सीसीटीवी कैमरा घर से बुलाए, कैसे कैसे उठा अच्छा उठाया ये लोग, ये बदिया किसी और नाम बोल रहा है बच्चा इतना हमने खुलासा करके सीसीटीवी कैमरा से रखे हुए हैं और दे दिए हैं सभी कि आप देखिए सब, और पुलिस इसी पे सारा जवाब नहीं सब प्रशासन में देखिए ये इसमें दो लड़का था और ये लड़का देखिए नाम फोटो पे चिन्हित कर रहा है फोटो पे फोटो दल का ही हैंड ओवर दिया भाई ये लड़का के पास से तुम ले गए कि बर्थडे आरसी दे दिया मतलब तुम तो मंदिर के पास ले गया। ये दोनों भाई है, एक छोटा भाई ये है और बड़ा भाई है राम भरोस चौधरी, राम भरोस चौधरी ये राम कृपाल राम भरोस चौधरी नहीं जानते तो जब आता है हमारे बाहर से इसको 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 घर काम करता है बालू सब वही काम बालू काम करता है दोनों इधर दोनों अखीरा लग रहा है मगर हमको दिया बाजार पे हमको छोटा भाई चौधरी मेरे बच्चा को हैंड कराया तुमसे लिया पूर्ण दिया देने के बाद उसके बाद मंदिर के पास आपको दिया बोला बाबू वहाँ तक छोड़ते ना मंदिर के राजू की दुकान पे छोड़ते कल के पैसा उसे निकाल देना ठीक है वहाँ तक छोड़ देंगे तो मनीष को देखिए हम यहाँ पर खराब खड़े सर जादू कैसे हो गया मुझे पहले यहाँ था फिर यहाँ कैसे दे दिया थे वो राम भरोस थैंक यू का उसके बाद क्या हुआ तुमको कुछ नहीं पता उसके बाद हाँ सही बोला उसके बाद लड़का देख के वापस आ गया सीसीटीवी भी दिखा रहा है कि किसी को हैंड ओवर करके ही वापस थोड़ा सा पीछे थोड़ा पीछे चप्पी नहीं भैया पीछे पीछे हुई वही ना हेल्प करना चाहिए वही ना बोल रहे द प्रशासन को यहाँ के दरोगा उससे 5 लाख लिया है कि 10 लाख लिया है ये जो हत्यारा टीवी के बाद ये राम भरोस चौधरी तो फुल कैदी हो गए वह राम भरोस चौधरी को कटरा थाना 5 घंटा रख के और उस लड़का से जो लड़का अभी हम ये पूरे समाज के बीच में बयान दे रहा है बयान बदलवा रहा है बलात्कार के मारने के फेरी में ये 3 लड़का कि हम ही किए हैं यो थाना प्रभारी राम भरोस चौधरी को 3 तारीख के रात्रि में छोड़ा 4 बजे भोर में छोड़ बच्चा को यही प्रशासन का मैंने उचित का ये न्याय है तो न्याय होना चाहिए यदि न्याय नहीं होगा तो यहाँ का समाज न्याय देने के लिए तैयार सब किए हम यहाँ का समाज न्याय देने के लिए तैयार है मिलने के बाद 90% समाज के साथ रहेगा अगर कुछ भी होगा तो इसकी जवाबदेही हम लोगों के पास
नहीं है, जो उसका गति होगा वो मेरा होगा, जो समाज का होगा वो मेरा होगा। इतना बड़ा प्रूफ मिलने के बाद भी छोड़ देना, क्या इंडिकेट करता है कि हम सत्य की ओर चले, क्या और कोई दोषी निर्दोष इसमें फंसे नहीं? निर्दोष कोई भी हो, निर्दोष का हाथ नहीं लगा। मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ, सीसीटीवी में सेम एग्जैक्ट दोनों मैच कर रहा है। ले पहुंचा करके हैंडओवर करके तुरंत लड़का वापस आ गया। हायर किया, हायर किया। दोनों भाई दो रास्ते पर था, एक भेजा वो भाई, एक पावर घंटे बाद वो भाई निकल रहा, दोनों भाई फिर सीसीटीवी में एविडेंस जो लड़का बता रहा है। अब इससे बड़ा साक्ष्य क्या होगा? रिपोर्ट आया क्या? रिपोर्ट आया नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं। आप ही के इंतजार में हम हैं, वैसे जाने वाले थे हम, जेल निकलने वाले थे। प्रशासन से कुछ भी बोलते हैं तो हम लोग अगेंस्ट ही बोलते हैं। सब दे दिया, अब आगे पेन ड्राइव दीजिए हमको, पेन ड्राइव दिए। सबसे बड़ी बात है कि पोस्टमार्टम के समय मैं था वहाँ पर, मैं लड़की का मौसा हूँ, मुजफ्फरपुर में मैं था। और जमदार साहब को कहे सबसे पहले कि वहाँ सीसीटीवी कैमरा को पहले सबसे पहले खंगाला जाए, तो सब काम हो रहा है। जबकि यहाँ प्रशासन यहाँ आया नहीं, सीसीटीवी कैमरा मतलब देखने भी नहीं आया। हाँ, चाहे हमको ये भी नहीं कहे कि आप तलका उसको खंगाल उनका हाँ, तो इससे हमको अब लग रहा है कि हत्या में बराबर उतना ही नहीं बाबू भाई, थाना प्रभारी ललित कुमार ही नहीं भाई। ये कहता क्या है, जब एफ आई आर जब नोट करा रहा था एक के भाई का नाम दीजिए, एगो का छोड़ दीजिए, इसका मतलब शुरू से चले समय है थाना प्रभारी जी। कैसे हैं? दशहरा मुबारक हो भाई। हेलो जी सर। हेलो, नेटवर्क भी अंदर में नहीं, बोलो दूसरा फोन जियो नेटवर्क परमानंद प्रेस वाले आए हैं क्या? मीडिया आई है, परसोल में कोई मीडिया नहीं है। चंदन जी को फोन किया, परमानंद मुजफ्फरपुर में हमको टेलीफोन करके बुलाया और हमसे कहा कि एक ही भाई का नाम दीजिए, उसे मर्डर केस में फंस जाएगा तो जरूर हो जाएगा। अरे मर्डर करने वाला, मर्डर करने वाला नहीं, नेटवर्क नहीं है। प्रसादी बांटने वाला प्रसादी नहीं देगा तो कौन देगा? हाँ, इसके संज्ञान में मर्डर हुआ है। खीरा कल की घटना है, आज की घटना हो गया है। आई जी मुजफ्फरपुर, आई जी मुजफ्फरपुर, चौदह पंद्रह साल हुआ बहुत बढ़ते जाएगा लगा के जी आई जी साहब। आज उसके साथ हुआ है, पर शासन टाइट नहीं होगा तो कल किसी के साथ हो सकता है ना।
शासन सिस्टम में यहाँ जो पोस्टिंग यहाँ आती हुए उस टाइम ठीक ठाक थे, अब जो है ना पैसा उतर गए हैं। हम तो वर्दी पहन लिए हैं, नहीं बोला नेट में पावर नहीं, नेटवर्क नहीं, क्या करेंगे नेटवर्क सही ढंग से बात नहीं करता है। थाना पे जाइए तो लगता है जैसे इसको मिर्गी आए हुए है, दम के उधर भागेगा, दम के उधर भागेगा। सही ढंग से बात नहीं करना है कि गलत आदमी नहीं फंसे, सत्य को ला करके सत्य के ऊपर चलिए। हाँ पैसा अगर चाहेंगे कि हमको देंगे हम सत्य देंगे, हम प्रमाण देंगे। बच्चा एयरटेल दैनिक जागरण में निकला हुआ है वो सही निकला हुआ, गिरफ्तार नहीं किया गया और दिया हुआ है कि गिरफ्तार किया गया राम भरोस चौधरी का, लेकिन शायद अभी तक गिरफ्तारी का उसका हमको कहीं से ट्रेस नहीं है। सबसे बड़ी बात ये प्रेस वाले को बोलो सांसद आए कहाँ से है, हेलो थाना प्रभारी जी प्रणाम, माननीय श्री पप्पू यादव जी बात करेंगे।